नमस्कार सत्यराम, मेरी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको मक्का की इडली बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने मक्का ले लिए, ये न तो बारीक आटा है ज़्यादा न ज़्यादा दरदरा है, इसको हमने छान लिया है। और यहाँ पर हमने देखिए छाछ की एक थैली लिए, मटर लिए हैं, गाजर लिए है, और ये धनिया लिया है, हरा धनिया, मिर्ची लिए स्वाद अनुसार, हरा धनिया आप और ले सकते हो। और पालक के हमने पत्ते लिए हैं क्योंकि बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम इसमें अगर पालक को पीस कर उबाल कर पीस कर भी डालेंगे तो भी बच्चों को पता नहीं चलेगा। और ये हमने पत्ते लिए हैं, इनको काट के हम डाल देंगे। आप प्यूरी बनाकर भी, उबाल कर प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पर गैस पे इडली मेकर में पानी चढ़ा रखा है, तो अब हम इडली का घोल बनाएंगे। ये देखिए मक्का के आटे को हम एक बॉल में ले लेंगे, जितनी इडली आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप आटा लीजिएगा। और अब हम इसका घोल बनाएंगे। ये देखिए हमने मक्का का आटा ले लिया है, अब हम छाछ की थैली को ओपन करेंगे। देखिए आवश्यकता अनुसार इसमें छाछ डालेंगे। ये देखिए, और अब हम इसमें हमारी मटर डालेंगे। आप चाहो तो पहले मटर और ये सब डाल के उसके बाद में छाछ डालिएगा। गाजर डाल दिए मैंने, मिर्ची डाल दिए, आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की भी बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हो। हरा धनिया हमने डाला है, और अब हम पालक हम डाल रहे हैं, इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। सब सब्जियों को पहले हमने धो लिया था, उसके बाद में हमने काटा है। आप हरी मिर्ची और डाल सकते हो। देखिए अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। नमक डाल रहे हैं हम स्वाद अनुसार, नमक कम लेंगे क्योंकि इसमें आप मीठा सोडा या पापड़ खाड़ा दोनों में से एक चीज आपको डालनी है। हींग आप इसमें डाल सकते हो, तो हम यहाँ पर एक चुटकी हींग डाल रहे हैं। और आप इसमें अजवाइन, सौंफ, जीरा ये सब डाल सकते हो। इसमें मिर्ची में डाल रही हूँ हल्की सी, नहीं तो आप वगार भी लगा सकते हो, मतलब तड़का लगा सकते हो। ये पापड़ खारा मैं इसमें डाल रही हूँ, डेढ़ स्पून मैं इसमें पापड़ खारा की डाल रही हूँ ताकि हमारी जो इडली है वो अच्छे से फूले। ये इस तरह का बाजार में पापड़ खारा मिलता है, इसको हम बारीक पीस कर फिर काम में लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी और छाछ मिलाएंगे। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहो तो बड़ा बर्तन आप इसमें ले सकते हो गाइस। ये देखिए और सूख गया है ये, इसलिए हम इसमें और छाछ डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसके घोल को न तो हमें ज़्यादा पतला बनाना है न ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। मैंने और भी कई तरह की इडलियाँ मेरे चैनल पे बता रखी है, पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं। ये मैं और छाछ डाल रही हूँ। देखिए ये घोल बन चुका है। और अब हम हमारा जो इडली मेकर है उनके सांचों को हम ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के लिए आप तेल ले सकते हो, इस तरीके से तेल से हम ग्रीस करेंगे। इस तरीके से मैं सारे सांचों को ग्रीस कर लूंगी।
ये मैंने सारे सांचों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने से क्या होता है, इडली हमारी अच्छे से निकल जाती है। अब इस घोल को हम इन सांचों में भरेंगे। देखिए इस तरीके से, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी इडली हमारी बनेगी। ये सारे घोल को मैं इस तरीके से भर लूंगी। देखिए आप चाहो तो इस इडली में ऊपर से आप यहाँ पर मटर और गाजर और डाल सकते हो, हरा धनिया आप डाल सकते हो। और अब हम इसको इडली मेकर में रखेंगे। ये देखिए पानी हमारा उबल रहा है, गैस को मैंने तेज कर दिया है और इसमें मैं ये इडली के सांचे रख रही हूँ। थ्री वाला रख दिया है, फोर वाला रख दिया है और ये फाइव वाला रख दिया है। और अब हम इसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। उससे पहले मैं ये थोड़ी सी यहाँ पर मिर्ची डाल रही हूँ, एक दो इडली पर, जो कि बहुत अच्छा कलर लेके आएगी। ये देखिए, और मैंने इसको फुल आंच पर ढक्कन लगा दिया है। और अब 10 से लेके 12 मिनट तक मैं इसमें इस तरीके से इसको पकाऊंगी, फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे। अब हम हमारी इडली को चेक करेंगे केयरफुली गाइस। इसके ढक्कन को आप कपड़े की सहायता से हटाएंगे। देखिए इडली हमारी फूल का डबल हो चुकी है। और अब हम इसको चेक करेंगे कि इस तरीके से चाकू ले लिया है हमने और इसको इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से करेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा ये चिपक रहा है, यानी अभी हमारी इडली को 5 मिनट और लगेगा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं। अगर ये इसके चिपकता नहीं गाइस तो ये बन चुकी थी, बट अभी 5 मिनट और लगेगा इसमें। 5 मिनट हमारे हो गए हैं, गैस को मैं बंद कर रही हूँ, ढक्कन में हटा रही हूँ और इनको वन बाय वन केयरफुली मैं निकाल लूंगी कपड़े की सहायता से पकड़कर। देखिए कितनी अच्छी हमारी इडली फूल कर तैयार हुई है। देखिए कितनी अच्छी इडली हमारी बन के तैयार है और कितना अच्छा कलर इसमें आया है। आपने उड़द की इडली, उड़द की दाल की इडली और सूजी की इडली आपने कई तरीकों से देखी होगी, पर मक्का की इडली आपने नहीं टेस्ट करी होगी। तो ये एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है लगती है। आपके बच्चों को डिफरेंट फ्लेवर इसमें मिलेगा। ये आप हरे धनिये की चटनी के साथ और नारियल की चटनी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ आप खा सकते हो, दाल से भी आप खा सकते हो। बच्चे इसको सॉस से खाना पसंद करते हैं। ये देखिए अब इसको निकालने का तरीका मैं बता रही हूँ। हमने इसको ग्रीस कर लिया था तो ये आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके से चाकू की सहायता से हम सारी इडली को नीचे से ऐसे कर देंगे। ये हमने ऊपर से मिर्ची भुर की थी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप इस इडली को फ्राई करके या छोंक लगा के भी खा सकते हो। मेरे इसी चैनल पर मैंने छोंक लगाना और फ्राई करके भी बताई हुई है इडली। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए आप इस तरीके से हाथों की सहायता से भी इडली को आसानी से निकाल सकते हो। ये देखिए क्योंकि हमने इसको अच्छे से ग्रीस किया था। ये देखिए ये चिपकी हुई है, इसको इस तरीके से करिए, आराम से इजी वे में निकल जाएगी। और मैं बताऊंगी ये कितनी सॉफ्ट है, देखिए ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये। ये देखिए मैं हाथों की सहायता से दबा के आपको बता रही हूँ। देखिए
कितनी अच्छी ये बनी है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देखिए हमने सर्व कर दिया। आप इसको नींबू से या हरे धनिया से गार्निश कर सकते हो, चटनियाँ या सॉस आप लगा सकते हो। तो ये देखिए मेरी इडली बन के तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी इडली बनी है और कितना अच्छा कलर आया है। देखिए आप, मटर और गाजर और मिर्ची का, हमने पालक इसमें डाला था। तो गाइज अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज।